नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शेफ़ निकिता और आज मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाते हैं बंगाल स्पेशल गजा की रेसिपी। ये गजा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और एकदम परफेक्ट रेसिपी है गाइस। आपको इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना चाहिए और बहुत लोगों की अब बचपन की याद भी आ रही होगी। सो गाइज़ ये रेसिपी को पूरा देखिए और घर पर बना के इन्जॉय कीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है और इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर। मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच डाल रही हूँ बट गाइज़ मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप 1.5 चम्मच डालें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप के जितना घी। सो गाइस 2 कप मैदा में आपको 1 कप घी डालना है क्योंकि जितना आप इसमें मोइन डालेंगे उतना ज्यादा गजा आपका टेस्टी बनेगा। और इसे फोल्ड करने का एक तरीका होता है, उसके बाद फ्राई करना होता है एंड देन चाशनी में डालना होता है। सो गाइस मोइन डालने के बाद आपको मैदा को अच्छे से हाथों से रब करना है और उसके बाद इसे ठंडे पानी से गूंथ लेना है। सो गाइस मैं बॉल बना के दिखा रही हूँ, बॉल बहुत ही अच्छा बन रहा है, इसका मतलब कि मोइन जो है वो बिल्कुल सही है। सो गाइज़ अब इसके बाद इसे हम ठंडे पानी से गूंथ लेंगे और बढ़िया सा आटा लगा के साइड रख देंगे। सो गाइज़ ये अच्छे से लग गया है, अब इसे 2 घंटे के बाद हम इसमें से गजा बनाना स्टार्ट करेंगे। दो घंटा हो जाने के बाद हमारा जो मैदा है वो बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। अब इसे हम हाथों से प्रेस करेंगे और बीच से कट करेंगे और ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे गाइस। और आप देख सकते हैं कि इसे मैं वापस से फोल्ड कर रही हूँ, वापस से हम इसे बीच से कट करेंगे और वापस से उसके एक के ऊपर रखेंगे और ऐसे करते करते हमें स्क्वायर शेप में करना है। तो यही एक प्रोसेस है, इसे लेयरिंग कहा जाता है। जितना हम इसे लेयर देंगे हमारा गजा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और उतना ही फ्लेकी रहेगा। सो गाइस गजा जब भी बनता है ना तो वो ऐसे पर्थ पर्थ होता है, जब हम उसे खाते हैं तो वो पर्थ में खुलता है। लेकिन ये एक टेक्निक है जो फ्राई होते वक्त स्क्वायर शेप में फ्राई होगा एंड देन उसके बाद उसका जो फोल्डिंग है वो खुलते ओपन होते चला जाएगा। गाइस आप देख रहे हैं इसमें धीरे धीरे लेयर आनी शुरू हो रही है और मैं इसे वापस से स्क्वायर कर रही हूँ और हाथों से प्रेस कर रही हूँ कुछ इस तरीके से एंड देन वापस से बीच से हम कट करेंगे इसे। एंड अगेन गाइज हम इसे इस तरीके से इसी मेथड से हम रिपीटेटिव मोड में जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। पर कहा जाता है कि आप 10 मिनट तक तो ऐसे स्टेप कीजिए, इससे क्या होता है आपका गजा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होता है। सो गाइज ये लंबा प्रोसेस तो है लेकिन उतना भी लंबा प्रोसेस नहीं है, आप इसे आराम से बना सकते हैं और ये बहुत इन्जॉयबल है गजा बनाना गाइज। अगर आप चाहें तो आप अपने फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं और अभी लॉकडाउन का टाइम है, हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। सो गाइज आप देख रहे हो कि इसे मैं वापस से कट कर रही हूँ और वापस से प्रेस कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। और लॉकडाउन में जैसे कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के थ्रू हमारे एक अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता है। सो गाइज आप एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर करें एंड देन गजा खा के आप जितने भी कैलोरी बर्न करेंगे उतना वापस से पुट ऑन भी कर लेंगे। सो गाइज अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसमें कितना ज़्यादा लेयर आया है। और गाइज आप देखिए इसमें बहुत ही अच्छा आपको दिख रहा होगा है ना कि ये जो लाइक बबल्स टाइप के दिख रहे होंगे ये सारे लेयर्स है। और अब इसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर शेप करेंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले हम इसे बीच से कट करेंगे एंड देन इसे छोटे छोटे स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में छोटे छोटे कट करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ 2 हाफ्स रेडी है, अब दोनों में से हमें गजा बनाना है। सो आप कट करने का प्रोसेस देखिए गाइस इस तरीके से। मैंने वीडियो को थोड़ा रॉ रखा है सो दैट आपको स्टेप्स को सीखने में आसानी हो और ज़्यादा दिक्कत ना हो। और अब इसे हम कुछ इस तरीके से कट कर रहे हैं। मेक श्योर कि आपका नाइफ जो है वो थोड़ा सा धार हो जिससे ये आसानी से कट जाए। और अब उसके बाद इसी से ही हम 4 हाफ्स या 5 हाफ्स जितने भी निकलेंगे उतना हम इसे कट कर लेंगे। मैं नाइफ थोड़ा चेंज कर रही हूँ बिकॉज उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा कम धार था। और इसी तरीके से हम सारे गजा बना के तैयार कर लेंगे।
सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सारा कट कर लिया है और मैंने तेल भी चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। और तेल जब गरम हो जाए, हमें तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है गजा बनाने के लिए, वरना गजा जो है वो ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। इसलिए हमें तेल को नॉर्मल गरम ही रखना है और धीमे आँच पर रखना है, धीम और मीडियम के बीच में रखना है और इसे हमें फ्राई करना है। सो गाइस मैं गजा को जो है वो तेल में डाल दे रही हूँ, सारे के सारे ही एक बार में डाल दे रही हूँ क्योंकि मेरा कढ़ाई का साइज़ बड़ा है और तेल भी मैंने बहुत सारा लिया है। सो गाइस ये तेल है जो कि ऑलरेडी गर्म हो चुका है और मैं इसमें गजा जो है वो डाल दे रही हूँ कुछ इस तरीके से। और आप देख रहे हो गाइस कि ये फ्राई होना स्टार्ट हो गया है, तेल हमारा नॉर्मल ही गर्म है और मैंने फ्लेम को लोएस्ट और मीडियम के बीच में रखा है जिससे हमारे गजा जो है ऊपर से जल्दी लाल ना हो और अंदर से वो अच्छी तरीके से सिक भी जाए। गजा बनाना गाइस बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि ये हम हमेशा बचपन से ही बाज़ार से खाते हुए आए हैं और आज हम घर पे ट्राई कर रहे हैं। सो गाइस आप लोग भी इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देख सकते हैं आप कि इसके लेयर जो है ना वो ओपन हो रहे हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बता रही थी कि जब आप इसे फ्राई करेंगे तो इसका लेयर ओपन होगा, तो आप देख सकते हो लेयर ये ओपन हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसे जो फोल्ड किया था इतना ज़्यादा इतना टेक्निक से इसके वजह से, और यही गजा की खूबसूरती है। सो गाइज़ अब इसे हम छान छान के बाहर निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में और अब इसे हम चाशनी में डाल देंगे। सो गाइज़ मैंने यहाँ चाशनी बनाया है 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी के साथ। ये एक तार वाली चाशनी है और इसे हम गजा के अंदर गजा को चाशनी में डाल देंगे कुछ इस तरीके से, और गजा चाशनी को गजा में अच्छे से डुबो देंगे फ्लिप कर करके अच्छी तरीके से, और इसे हम 24 घंटे के लिए चाशनी में रहने देंगे। 24 घंटे हो चुके हैं गाइस और आप देख सकते हो गजा जो है वो बहुत अच्छे से चाशनी में कोट हो चुका है और अंदर तक चाशनी भी चली गई है। और अब इसे हम प्लेट में निकाल दे रहे हैं। गाइस ये गजा देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और अगर आपको भी ये गजा की रेसिपी अच्छी लगी तो गाइस मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर किया, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए क्योंकि उसी से आपको मेरे वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस कि आपने मेरी रेसिपी को इतनी दूर तक देखा, और प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगली आपको कौन सी रेसिपी देखनी है ये भी बताइए। बाय बाय गाइस।